सोलन जिला वासियों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे और त्योहार सीजन में जो खाद्य पदार्थ वे खरीद रहे हैं वे बिल्कुल ठीक हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा कड़ी मेहनत की गई। उनकी विभिन्न टीमें हमेशा बाजार में निरीक्षण करती रही ताकि किसी भी तरह की मिलावट कोई दुकानदार ना कर पाए। इसी को लेकर कई दुकानदारों के विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपल भी उठाए गए थे। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि वे पूरा वर्ष मिलावटखोरों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते लगातार बाजार से सैंपलिंग की जाती है, लेकिन त्योहार सीजन में ये कार्रवाई और अधिक तेजी से की जाती है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा त्योहार सीजन में करीब 50 सैंपल खाद्य पदार्थों के लिए गए थे, जिनमें 15 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें 4 सैंपल फेल हो चुके हैं, जिन पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि फेल हुए ये सैंपल सूजी, बिस्कुट, धनिया पाउडर और पनीर के हैं। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे बेचने के लिए कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो वे उसका बिल अवश्य लें। अगर उनके पास बिल होता है तो वे सैंपल फेल होने पर कार्रवाई से बच सकते हैं। त्योहारी सीजन में अभी हमने अक्टूबर महीने से सैंपल लेने स्टार्ट कर दिए थे, तो 3 नवंबर तक हमने 50 सैंपल लीगल सैंपल लिफ्ट किए। अभी तक हमारे पास 13 अक्टूबर तक जो सैंपल लिए थे उनकी रिपोर्ट मिली है, वो लगभग उसमें से 15 सैंपल हमने जो 13 अक्टूबर तक लिए थे उनमें से 4 सैंपल एज पर स्टैंडर्ड ठीक नहीं आए। उसमें से एक सूजी और बिस्किट और धनिया पाउडर, 3 सैंपल मिसब्रांडेड आए हैं और एक पनीर का सैंपल लिया था और वो सब स्टैंडर्ड आए हैं। ऐसे ही फूड बिजनेस ऑपरेटर है जिनके पास भी जो भी चीज़ वो खरीदते हैं जैसे मिसब्रांडेड है तो उनकी लाइबिलिटी तभी शिफ्ट होगी अगर उनके पास प्रॉपर बिल होगा। और पब्लिक को भी यही है कि अगर उनको जो भी चीज़ वो खरीदें उसको खरीदने से पहले उसमें डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग, बैच नंबर, डेट, किसने वो बनाया, वो सारी चीज़ें पढ़ के इस परचेज करें। अगर उनको लगता है कि जैसे अब पनीर का पैकेट खरीद रहे हैं और उसकी यूज़ बाई डेट खत्म हो गई है तो ऐसी चीज़ें वो ना खरीदें।